This is Shivam Info Media and Open Broadcasting Services, a venture of Shivam Group, and you're watching Local TV. घर घर में कोविड का टीका देने से जिले में 100% टीकाकरण का प्रोग्राम सफल होता दिखाई दे रहा है। कलेक्टर ने कहा है कि हमारा जिला 100% टीकाकरण की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। हर घर में जाकर सभी को टीके दिए जा रहे हैं। ऐसे में हमारा कोमरम भीम जिला कोरोना मुक्त होता दिखाई दे रहा है। कई महीनों से यहाँ एक भी कोरोना का केस नहीं आया है। बस कोरोना के खत्म होने तक ऐसी ही पाबंदी से हमें रहकर इस महामारी से लड़ना है। साइक्लोन गुलाब को ध्यान में रखते हुए तेलंगाना सरकार ने आज एक दिन सरकारी छुट्टी की घोषणा की है। आज एक दिन सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थान बंद रहेंगे। बिजली की सप्लाई भी ठीक से नहीं आएगी। ऐसे में अपने मोबाइल वगैरह चार्ज करके रख लीजिए, बाहर जाने का प्लान टाल दीजिए। जल्दी से जल्दी अपने सारे काम निपटा कर राशन पानी की व्यवस्था भी कर लीजिए, ऐसा हमारा सुझाव है। आज और कल भारी बारिश का अनुमान है, सावधानी से रहे, ऐसी हमारी आप सभी से अपील है। हैदराबाद और वरंगल में पिछली बार एनकाउंटर से मशहूर हुए पूर्व पुलिस अफसर सीपी सज्जनार को अभी आरटीसी में मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। पोस्टिंग संभालते ही सबसे पहले सज्जनार ने आरटीसी ड्राइवरों को चेतावनी दी है। बस रोकने के लिए बस स्टॉप बने होते हैं, लेकिन कुछ ड्राइवर बस स्टॉप पर ना रुककर बाहर ही रास्ते पर एक आधे मिनट के लिए बस खड़ी कर देते हैं। ऐसे में बस स्टॉप पर खड़े यात्रियों को भी असुविधा होती है, साथ ही साथ ट्रैफिक जाम हो जाता है। सो अलग खास तौर पर हैदराबाद सिटी में ये घटना काफी देखने को मिलती है। ऐसे में सज्जनार ने ये चेतावनी दी है कि ऐसा करते अगर कोई ड्राइवर पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। केंद्र सरकार को केसीआर ने बुलेट ट्रेन की अर्जी दी थी, आज उस अर्जी पर ठप्पा लग गया है। केंद्र सरकार ने हैदराबाद मुंबई बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी है। जल्द ही इसका डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR तैयार किया जाएगा। डिपार्टमेंट में कहा है कि इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में 2034 हो सकता है। पूरा होने के बाद हैदराबाद से मुंबई जाने के लिए सिर्फ 3 घंटे लगेंगे। वैसे भी हैदराबाद और मुंबई के बीच एयर ट्रैफिक काफी बढ़ गया है, तो बुलेट ट्रेन एक अच्छा ऑप्शन साबित होगा। बुलेट ट्रेन पर जोर देने का सबसे बड़ा कारण ये है कि आज नहीं तो कल हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाला फ्यूल दुनिया से लुप्त हो जाएगा। ऐसे में इंटरनेशनल बुलेट ट्रेन सिस्टम एयरवेज की जगह लेगा, क्योंकि बुलेट ट्रेन बिजली से चलती है। भारी बारिश की वजह से जिले में भारी तादाद में उगाए जाने वाली कपास की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। कपास की फसल को यहां लोग पत्ती की फसल कहते हैं। ऐसे में पत्ती की फसल को बारिश में काफी ज्यादा पानी मिलने से मट्टी ढीली हो रही है, पौधे गिर रहे हैं, खेतों में मौजूद बड़े पेड़ तेज हवा पानी से नीचे गिरकर पत्ती की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे में किसान काफी परेशान हैं। भारी बरसात ने आड़ा डैम को पूरा भर दिया है। पानी ओवरफ्लो होने के डर से डैम के मैनेजमेंट ने डैम के 5 गेट खोल दिए हैं। निचले इलाकों में रहने वालों को विशेष रूप से सावधान रहने की चेतावनी दी गई है। कई गाँवों के संपर्क टूट सकते हैं, नदी के पास वाले गाँव में बाढ़ आ सकती है। ऐसे में सभी को सावधान रहने की जरूरत है। गोदावरी, प्राणहिता, पेद्दावागु और पैनगंगा नदियां अपने चरम उफान पर है। इनका बैक वाटर जमा होने से कई गांवों में बाढ़ आ रहा है। कल ही हमने आपको सलगुपल्ली का वीडियो दिखाया था कि वहां के हालात कितना गंभीर है। बेज्जूर और दहेगांव मंडल के गाँव को रेड अलर्ट पर रखा गया है। अब खबरें IPL की। कल के रोमांचक मुकाबले में हैदराबाद ने फ्री हैंड खेलते हुए राजस्थान को हरा दिया। 9 बॉल रहते ही हैदराबाद ने राजस्थान के 164 रन के टारगेट को 3 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। आज 2 मैचेस होंगे। पहला मुकाबला कोलकाता और दिल्ली के बीच दोपहर 3:30 बजे से होगा। दूसरा मुकाबला मुंबई और पंजाब के बीच 7:30 बजे से होगा। इन मैचेस से जुड़े एनालिसिस देखने के लिए लोकल टीवी से जुड़े रहें।
कल राजस्थान और बेंगलुरु का मैच शाम 7:30 बजे से होगा।